बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। रूपा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसके माँ बहुत ही मुश्किल से दूसरों के घर पर काम करके उन दोनों का पेट पालती थी। ऐसे ही दिन जा रहे थे, लेकिन रूपा की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो जब भी कोई लहंगा और सनग्लास देखती थी तो वो उसे तुरंत खरीदने के लिए जिद करती थी। उसके पास भले ही बहुत सारे सनग्लास और लहंगे हो, लेकिन फिर भी वो लहंगा और सनग्लास खरीदना नहीं छोड़ती थी। वो कैसे भी करके पैसे जमा करके हमेशा ही कोई ना कोई नया लहंगा और सनग्लास खरीद लेती थी। एक दिन उसकी अपने गांव में मेला हो रही थी और वो मेला पर गई और उसे एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा और सनग्लास की दुकान दिखी और रूपा ने मुश्किल से जितने भी पैसे जमा की थी वो सारे पैसे खर्च करके एक लहंगा और मैचिंग सनग्लास खरीद के घर ले आती है। ये देख के उसकी माँ बोलती है, रूपा तूने फिर से सारे पैसे खर्च करके ये लहंगा और सनग्लास खरीद ली। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ऐसा मत किया कर, पैसे खर्च मत किया कर, और तेरे पास पहले से ही कितने सारे लहंगा और सनग्लास है और कितने चाहिए। माँ माँ, एक ही तो मेरा शौक है, मुझे बहुत पसंद है लहंगा के साथ मैच करके सनग्लास पहनना। मैं इसलिए पैसे जमा करती हूँ। आप मुझे पैसे खाने के लिए देते हैं, लेकिन मुझे खाना और कुछ भी काम में पैसे खर्च करना पसंद नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं ये सब खरीदती हूँ। उसकी माँ बहुत ही चिंतित में हो जाती है कि उसके बेटी हमेशा ऐसे ही क्यों करती है, पैसे ऐसे खर्च करेगी तो कैसे चलेगी। लेकिन रूपा अपनी मनमानी करती है। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उस गांव में फिर से एक मेला होने को है। ये सुन के रूपा बहुत ज्यादा खुश होती है। इस बार भी मेला होने वाला है, मैं तो इस बार पक्का एक खूबसूरत से लहंगा और उसके साथ मैचिंग करके एक सुंदर सा लहंगा खरीदूंगी। कुछ दिन बाद जब वो मेला शुरू होती है तो रूपा उस मेले में जाती है और उसे एक बड़े से दुकान में बहुत ही खूबसूरत सा एक लहंगा और एक सनग्लास पसंद होती है। वो खूबसूरत लहंगा और सनग्लास लेकर वहाँ से ही पहनकर घर आने लगती है और घर आते आते सोचती है, अभी मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, शायद यहीं पर आइसक्रीम का दुकान होता। ये सोचने के बाद ही वो देखता है कि उसके सामने एक आइसक्रीम का दुकान आ जाता है और वो दुकान वाला उसे बुला रहा था। ये देखकर रूपा बहुत चौंक जाता है, लेकिन वो ज्यादा ना सोच के वो आइसक्रीम लेता है और खाकर फिर से चलने लगते है। कुछ देर जाने के बाद वो फिर बोलती है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, अगर कोई बर्गर का दुकान होता तो मैं खरीद के खाती। और इतना कहते ही वहाँ पर बर्गर का दुकान आ जाता है। ये देखने के बाद सीता बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो अपनी सनग्लास निकलती है तो वो दुकान वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो सोचने लगती है, अरे मैं जो भी मांग रही हूँ वो मेरे सामने कैसे आ जा रहा है, ये कोई जादुई लहंगा और जादुई सनग्लास है क्या। अच्छा ठीक है, मैं अभी इसको दोबारा चेक करके देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने बहुत सारे पैसे आ जाए। ये सोचने के बाद ही उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाता है और उसे पक्का हो जाता है कि उसने जो लहंगा और सनग्लास खरीदा है वो सब कुछ जादुई है। अच्छा ठीक है, मुझे तो जादुई लहंगा और सनग्लास मिल गया, अब मैं इनसे अपनी माँ की सारी दुख दूर कर दूंगी और मैं गरीब लोगों की मदद करूंगी। ऐसा सोच के रूपा जब भी वो जादुई लहंगा और सनग्लास पहन के कुछ भी मांगती थी तो वो लहंगा और सनग्लास उसे दे देता था और ऐसे करके अपने साथ सारे गांव वालों को भी अच्छा करने लगती है
और सारे गाँव वाले मिल के खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव की एक कॉलेज में सुनैना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। सुनैना को राज से दोस्ती करने में बहुत अच्छी लगती थी। सुनैना और राज बहुत अच्छी दोस्त थे और उस कॉलेज में एक और लड़की थी। उस लड़की का नाम था माया। वो भी राज से दोस्ती करना चाहती थी। वो दोनों ही राज की बहुत अच्छी दोस्त थी। राज दोनों को ही पसंद करता था। एक दिन, राज क्या तुम आज मेरे साथ पार्क में खेलने चलोगे? हम दोनों एक हॉन्टेड पार्क में जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। नहीं सुनैना, राज तुम्हारे साथ हॉन्टेड पार्क में नहीं जाएंगे। वो और हम एक अच्छे पार्क में जा रही हूँ और मैं उसके लिए अपने बैग पर नया कपड़ा भी लाया हूँ और खुद के लिए भी लाया हूँ। ये कह के माया राज को लेकर वाटर पार्क में खेलने के लिए चली जाती है और जाने से पहले वो दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठ के बातें करने लगती है। दूसरी तरफ सुनैना ये देखकर बहुत चिढ़ जाती है और वो बहुत गुस्सा होती है। मन ही मन बोलने लगती है, इस माया की बच्ची का कुछ करना पड़ेगा। ये हमेशा मेरे और राज के बीच आ जाता है। आज भी कितनी अच्छी प्लान बनी थी। मैं और राज हॉन्टेड घर में जाएंगे, खेलेंगे, घूमेंगे, लेकिन नहीं, ये अपनी वो सुंदर सा बैग लेकर आ गई और राज को एम्यूजमेंट पार्क में खेलने के बहाने राज को लेकर चली गई। मुझे इसे कुछ न कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सोचकर सुनैना उस कैंटीन में चली जाती है और वो देखती है माया और राज बात कर रही है और दूसरे टेबल में माया ने अपनी बैग को रखा है। ये देख के सुनैना सोचती है, ठीक है, मैं अभी इस माया की बच्ची को सबक सिखा देती हूँ। मैं इसका बैग चुरा के कहीं दूर फेंक दूंगी और फिर देखती हूँ ये कैसे जाता है राज के साथ एम्यूजमेंट पार्क में। ये कह के सुनैना माया का बैग चुरा लेती है और उसे ले जाकर एक जंगल में फेंक देती है। कुछ देर बाद जब माया और राज एम्यूजमेंट पार्क निकलने वाले होती है तो माया देखती है कि उसका बैग उसे नहीं मिल रहा। मेरा बैग कहाँ चला गया? मैंने अपना बैग यही तो रखा था, लेकिन अभी मिल नहीं रहा, ये कहाँ चला गया? राज और माया बहुत देर तक वो बैग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो बैग उन्हें नहीं मिलता। फिर वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है जो माया और सुनैना की क्लास में ही पढ़ती थी। उस लड़की का नाम था काजल। वो आके बोलती है, माया, मैंने देखा सुनैना को तुम्हारी बैग लेकर उस जंगल की तरफ जाते हुए। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो तुम्हारे ही बैग था। सुनैना की बच्ची, मुझे पता है ये मुझसे जलती है और इसीलिए ये मेरा बैग चुरा के जंगल में फेंकने चली है। राज, क्या तुम मेरे साथ मेरा बैग ढूंढने के लिए आओगे? ठीक है, चलो दोनों मिलकर तुम्हारा बैग ढूंढते हैं। इसके बाद माया और राज दोनों मिलकर जंगल में जाते हैं बैग ढूंढने के लिए। वो दोनों बैग ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ उस जंगल में एक परी आती है। अरे, मुझे तो थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जाना है। ठीक है, मैं अपने बैग को बाहर छोड़ के टॉयलेट हो आती हूँ। ये कह के वो परी अपना बैग जंगल के पास में रख के टॉयलेट में चली जाती है। इत्तेफाक से माया और उस परी के बैग दोनों ही एक जैसे दिखने में थे। माया और राज बैग ढूंढते ढूंढते जब उस टॉयलेट के पास आती है तो उन्हें वो बैग दिखाई देती है जो कि माया की नहीं बल्कि परी की थी।
वो बैग देखकर माया बोलती है, अरे यही तो रहा मेरा बैग, चलो अब तो ज्यादा समय नहीं रहा एम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए, हम कभी और चले जाएंगे राज, ठीक है? हाँ मैं भी घर चलती हूँ। ये कह के वो दोनों अपने अपने घर चले जाती है। घर आने के बाद रात को जब माया अपनी बैग खोलती है तो उसे बैग में दिखाई देता है तीन जादुई छड़ी और उसमें कुछ लिखा था कि कोई भी इस छड़ी का इस्तेमाल करके एक इच्छा मांग सकती है। ये देखकर माया सोचती है ये शायद किसी परी की बैग है, कोई बात नहीं मुझे इसमें जैसा दिख रही है अगर मैं ऐसा ही करूं और तीन छड़ी से तीन इच्छा मांगू तो शायद मिल जाए तो अच्छा ही होगा। ठीक है तो मैं अपना पहला इच्छा मांग लेती हूँ। ठीक है छड़ी, तो मेरी पहली इच्छा ये है कि सुनैना जाकर रात से ऐसा कुछ बोले कि उन दोनों की दोस्ती टूट जाए। ऐसा कहने के बाद वो छड़ी वहाँ से गायब हो जाती है और एक आवाज आती है, ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगले दिन जब सब लोग कॉलेज जाते हैं तभी सुनैना वहाँ राज के पास आके बोलती है, राज तुझे पता है तू दिखने में कौवा की तरह है, तू दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तू जब भी मुझसे बात करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये सुनकर राज बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, अरे ये तुम क्या बोल रही हो, ठीक है जाओ आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे ये क्या बोल दिया, ये तो मैंने नहीं बोला, किसी ने मुझसे बुलाया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ये कहकर राज वहाँ से चला जाता है। दूर खड़ी माया वो सब देखती है और ये देख के वो बहुत खुश होती है और वो अपनी बैग कॉलेज में साथ लेकर आई थी, तो वो कॉलेज कैंटीन में जाकर एक कोने में बैठ के दूसरा विश मांगने लगती है। हे जादुई छड़ी, मैं चाहती हूँ कि सुनैना देखने में बिल्कुल काली और बदसूरत हो जाए। इतना कहने के बाद सुनैना देखने में बहुत ज्यादा काली और बदसूरत हो जाती है। ये देखकर कॉलेज के सारे लड़कियां सुनैना पर हंसने लगती है और माया भी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपना आखिरी और तीसरी ख्वाहिश मांगती है। हे जादुई छड़ी, मैं चाहती हूँ कि ये राज ऐसा कुछ करे जिससे उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाए, हमेशा सुनैना सुनैना करता रहता है, अभी मैं इसको मजा चखा दूंगी। और जब ये सब माया कैंटीन में बैठ के जादुई छड़ी से कर रही थी तो दूर खड़ी हुई उसकी क्लासमेट काजल ये सब देख लेती है और वो सुनैना और राज को ढूंढने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज अपनी पैंट में अपनी पूरी क्लास के सामने सुसु कर देता है और ये देखकर राज के दोस्त बहुत हंसने लगते हैं और राज बहुत शर्मिंदा होता है और वहाँ से भागते हुए कैंटीन की तरफ चली जाती है। तभी उसे सुनैना मिलती है। सुनैना फिर राज को बोलती है, राज तुम्हारे साथ और मेरा साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ माया ने किया है, चलो हम माया के पास जाती है। और फिर वो दोनों माया के पास जाती है। माया तुमने ये जो किया हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे और सुनैना को ऐसे शर्मिंदा करने के लिए। लेकिन सुनैना जो किया उसकी वजह से मुझे मेरा फेवरेट बैग आज तक नहीं मिला। हाँ ये भी ठीक है सुनैना, तुम्हें जो किया वो भी ठीक नहीं किया, चलो अब तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांग लो और हम तीनों ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद वो तीनों ही हाथ मिला लेते हैं और अच्छे दोस्त बन जाती है और तभी वहाँ पर वो परी वापस आ जाती है अपना बैग लेने के लिए। ठीक है बच्चों, ये मेरे जादुई बैग है और मैं हूँ परी सिंड्रेला,
तुम लोगों ने जो भी किया मुझे पता चल गया है। अब मैं तुम सभी को सब कुछ भुला देती हूँ और फिर से पहले जैसे बना देती हूँ। अब से तुम तीनों अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। वो जादुई पड़ी सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देती है और वो तीनों अच्छे से रहने लगे।